सोचो, फेदरवेट को उसका ड्यूटी मार्क मिल गया। फेदरवेट को हमसे पहले। अच्छा क्यूटी मार्क है फेदरवेट। अच्छी लग रही है। मैं हार मानती हूँ। मुझे मिल गया हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल। द फॉल फ्री प्रेस, ये अखबार हमें क्यूटी मार्क्स कैसे दिला सकता है? रास्ते से हट जाओ। वो ग्रैनी स्मिथ है, भागना होगा। मुझे लगता है इस आइडिया में जरूर कुछ दम है। कोशिश करके देखते हैं। तुम्हारा न्यूज़पेपर वाला आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। हमने पेपर मैश से लेकर पंछियों के घोंसले बनाने तक सब कुछ ट्राई कर लिया पर कोई फायदा नहीं। हंसने की क्या बात है? मेरा मतलब था कि हमें अखबार में लिखना चाहिए। हम जर्नलिस्ट बनके अपने क्यूटी मार्क्स पा सकते हैं। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। ओके क्लास, कल मिलते हैं। से जो कोई भी न्यूज़पेपर स्टाफ में शामिल होना चाहता है यही रुको, क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है क्यूटी मार्क्स जर्नलिज्म में। ये बहुत अच्छा आइडिया है। वेलकम एवरीवन। तुम जानते हो कि हमारी एडिटर इन चीफ पिछले साल ग्रेजुएट हो चुकी हैं। हाँ, एडिटर इन चीफ क्या होता है? अच्छा सवाल है स्वीटी बेल, मुझे ये रिपोर्टर वाली आदतें पसंद आई। द फॉल फ्री प्रेस एक स्टूडेंट का चलाया हुआ अखबार है। मैं इसमें सिर्फ एक एडवाइजर हूँ, इसलिए एडिटर चीफ वो पोनी होती है जो इंचार्ज होती है। कहानियाँ चुनने से लेकर उन्हें छपवाना उसी का काम होता है। अब जैसा कि मैंने कहा, हमें इस साल के लिए एक नई एडिटर की जरूरत है। डायमंड टियारा? अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन सी पोनी को क्या असाइनमेंट मिलेगा। मजे करो। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनो। द फॉल फ्री प्रेस की हालत खराब है। कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। वेल, मैं द एडिटर इन चीफ इन चार्ज इस प्रेस को कामयाबी की शिखर तक पहुंचा दूंगी। सबसे पहले स्टाफ फोटोग्राफर कहाँ है? उठो और काम पर लोगो और हर चीज को डॉक्यूमेंट करो। मैं तय करूँगी क्या इम्पोर्टेंट है और बाकी सब। मुझे धमाकेदार न्यूज और इंटरेस्टिंग थिन पीसेस चाहिए, पिछले साल के एडिटर की तरह हल्की फुल्की कहानियाँ नहीं। पर वो तो एक ग्रेट एडिटर थी ना। वेल, अब एक नया दौर शुरू हो गया है और मुझे चाहिए बेहतर और मसालेदार खबरें। अब बाहर जाओ और रिपोर्ट करो। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें वापस चलकर बॉक्सेस पैक करने चाहिए। पर ये क्यूटी मार्क्स पाने का आखिरी मौका हो सकता है। अगर हमें वाकई में जर्नलिस्ट बनना है तो क्या थोड़ी बेइज्जती नहीं सह सकते? शायद तुम सही हो। जिंदगी भर के क्यूटी मार्क के लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए झेल सकते हैं। कमॉन, चलो हमारे मार्क्स ले आते हैं। मेरी पहली स्टोरी होगी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कुछ दिन पहले बेबी बर्ड्स का एक ब्रांड न्यू घोंसला देखा था। मुझे यकीन है हमारे रीडर्स को ऐसी स्वीट स्टोरी पसंद आएगी। ग्रैनी स्मिथ के पास बहुत सारी कहानियां हैं। मैं पोनी विल के हिस्ट्री पर एक आर्टिकल लिखूंगी। लाई होगी क्योंकि मुझे अब तक कुछ खास नहीं मिला। बेबी बर्ड्स पैदा हुए,
रैरिटी की नई हॉट हैट, पोनी विल की शुरुआत। पता नहीं तुम लोगों का क्या करूं, पर ये न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं है। हमने ये सोचा कि आज शाम से पहले मुझे मेरे डेस्क पर कुछ नया चाहिए और कोशिश करना कि वो मसालेदार हो। अब क्या, इस स्टोरी के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। ओ, तुम्हें नहीं पता मैंने इसके लिए क्या क्या झेला था। इसे मुझ पर से हटाओ स्नेल्स। तुम इसे मुझ पर से हटाओ स्नेप्स। रुक जाओ, तुम इसे और भी उलझा रहे हो। क्या? निकल नहीं रहा। मैं हटाता हूँ। इसे हटाओ, इसे हटाओ। यहाँ इनकी कुछ तस्वीरें लो और फिर मुझे लंच पे मिलो। गर्ल्स, हमारी स्टोरी मिल गई। स्निप्स एंड स्नेल्स एंड बबल गम फेल्स। और इस तरह स्कूल के सबसे बड़े मस्खरे ने अपने पांव अच्छे से जमा लिए। वाकई शुक्रिया, मुझे मजा आया। So funny. हमारी माँ हमेशा कहती थी कि हमारी फोटो अखबार में जरूर छपेगी। हाँ, और देखो हमने उस गम से छुटकारा पा ही लिया। अब ये हुई ना न्यूज, तुम बाकी का काम छोड़कर मुझे और मसालेदार खबरें लाकर दो। पोनीज की प्राइवेट लाइफ और उनसे जुड़ी हर खास खबर मुझे मेरे डेस्क पर लाकर दो। तुम तीनों मेरी नई गॉसिप रिपोर्टर्स हो। और तुमने जिस तरह से इसे साइड किया है मुझे काफी पसंद आया। गैबी गम्स, ये तो बिल्कुल जीनियस आइडिया था। तीनों के नाम इसमें फिट नहीं हो रहे थे तो हमने सोचा तीनों के लिए क्यों ना एक ही नाम रख लिया जाए। वेल, मुझे गैबी गम्स के और आर्टिकल्स चाहिए। अच्छा काम किया गर्ल्स, लगता है हम गॉसिप के मामले में अच्छे हैं। अगर हम ऐसे ही कुछ और गैबी गम्स कॉलम्स लिख सके तो हमें जरूर अपने क्यूटी मार्क्स मिल जाएंगे। स्कूटी लो, क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं। एप्पल ब्लूम? सॉरी। अब तुम मान भी जाओ, हमारे इस स्कूल में कुछ भी मसालेदार नहीं है। किस्मत ही खराब है। ओ, स्वीटी बेल, क्या उसे किसी खेत में बड़ा किया गया था? तुम्हें ऐसे छुपकर नहीं आना चाहिए। पर ये कितना मजेदार भी तो है ना। हेलो, ये क्या है? गम ऑन देयर बम। काफी अच्छा है। क्या तुम प्लीज थोड़ा धीरे से हंस सकती हो? मैं कुछ काम करने की कोशिश। मैं तो बस क्या तुम मेरे सैडल बैग में ताका झाकी कर रही थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत। ओ, पर ये गैबी गम्स वाला कॉलम काफी मजेदार है। क्या तुम्हें वाकई हमारा कॉलम पसंद आया? ये उस बेकार और बोरिंग पोनीविल एक्सप्रेस से कहीं ज्यादा मसालेदार है। क्या मैं ये अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले सकती हूँ? तुम्हारी दोस्त फॉल फ्री प्रेस को पढ़ना चाहेंगी? उन्हें गैबी गम्स बहुत पसंद है। वैसे वो है कौन? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या वो नहीं है? हमने बहुत जल्दी हार मान ली गर्ल्स, इस स्कूल से स्टोरी निकालने की बात भूल जाओ, इसे और आगे बढ़ना होगा। हमें पोनीविल में हर तरह की गॉसिप मिल सकती है। हमें फेदरवेट से ओवरटाइम करने को कहना होगा। स्वीटी बेल, तुम तो जीनियस हो। पाउंड और पंपकिन केक, स्टोर की ट्रिप आंसुओं में बदली। गैबी गम्स एक बार फिर उतर गई मैदान में। पोनीविल न्यूज स्टैंड फॉल फ्री प्रेस को बेचना चाहता है। पोनीज बार बार आकर वहाँ इसके लिए पूछ रही है। 20 कॉपीज भेज दो और ये खत्म हो जाए तो और 20 कॉपीज भेज देंगे। तुम तीनों इस अखबार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो, बस ऐसे ही लिखते रहना। ये तो बहुत ही शानदार है। Thank you.
कहते हैं बढ़िया लाइफ। मेरा आज तक का सबसे अच्छा होफी क्योर। तुमने बहुत सही कहा। मुझे याद नहीं मैंने इतना आराम कब किया था। दोस्तों, गैबी गम्स का नया आर्टिकल आ गया है, महान और ताकतवर ट्रिक्सी के राज का पर्दाफाश। हमने ये वाला पहले ही पढ़ लिया है रेनबो डैश। कम ऑन, आराम से बैठो और होफी क्योर करवाओ। तुम भूल गई हो तुम किससे बात कर रही हो। जिस दिन मैंने हुफी की ओर करवाया उस दिन मैं खुद को डेयर डेविल कहलाना बंद कर दूंगी। इसके अलावा मैंने अभी तक ये गैबी गम्स नहीं पढ़ा है। वेल, जो भी करो चुप रहो। ओके, यहाँ कुछ लोग आराम कर रहे हैं। मुझे भी गैबी गम्स पसंद है, पर तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ी सी बदतमीज है? वो बदतमीज नहीं ट्वाइलाइट, वो मजेदार है। सेलेस्टिया बिल्कुल हमारे जैसी। गैबी गम्स को किसी भी पोनी की प्राइवेसी की बिल्कुल परवाह नहीं। अब जाने भी दो ट्वाइलाइट, ये बस गॉसिप है, इसमें किसी का नुकसान नहीं। हाँ ट्वाइलाइट, मेरा मतलब जरा ये सुनो। मेयर नेचुरली ग्रे नहीं है, मेयर एक बाल रंगने वाले स्कैंडल का हिस्सा है, इसे कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। मुझे इस कॉलम में आने वाली पोनीज के लिए बुरा लग रहा है, ये उनके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है ना। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें पता है अखबार में नाम आना कितनी औसम बात है। रेनबो, तुम आकर हमें इस शानदार हुफी की ओर में ज्वाइन क्यों नहीं करती? ये इतना अच्छा है हाँ? Well, शायद बस एक पैर पर थोड़ा सा। रहने दो, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे पैर छुए। वाओ, कितना मजा आएगा अगर गैबी गम्स एक स्टोरी मेरे बारे में लिखे। इसने मेरे ऊपर एक लिखा था। एक्सक्लूसिव, लोकल ड्रैगन ने सब राज उगले। स्पाइक ने बात की कैंटलॉट, मैस और अपने फेवरेट जेम्स के बारे में। ये हमारा अब तक का बेस्ट कॉलम है, या फिर तुम्हारा अब तक का सबसे घटिया कॉलम। गैबी गम्स ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ लिख कर पोनीविल में मशहूर नहीं हुई। वो सही कह रही हैं। ये वाला कॉलम हमारी बाकी के गॉसिप के सामने थोड़ा फीका है। क्या तुम लोगों को भी गॉसिप के बारे में बुरा महसूस हो रहा है? जैसे कि हो सकता है हम किसी का दिल दुखा रहे हो? हाँ, मैं पहले कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि सबको गैबी गम्स पसंद आए थे, पर मैं सोच रही थी काश हमें इस कहानी जैसी और कहानियाँ मिले। मुझे भी। अगर हमें हमारी क्यूटी मार्क्स चाहिए तो हमें पोनीज को वो देना होगा जो उन्हें चाहिए। एप्पल जैक काम पर सोती हुई पाई गई। क्या तुम लोगों को इस पर यकीन हो रहा है? और ये देखो बिग मैकिंटोश क्या छुपा रहा है। ये गैबी गम्स खुद को समझती क्या है? जरा ये तो देखो, ट्वाइलाइट स्पार्कल कैंटलॉट की नकचड़ी। इस पोनी के साथ रहने वाले हमारे एक विश्वसनीय सोर्स ने बताया कि ट्वाइलाइट को लगता है कि पोनीविल में कीचड़ और गंवार पोनीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। स्पाइक, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने नहीं कहा, गैबी ने झूठ लिखा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। एवरी पोनी प्लीज, वो बस एक स्कूल पोनी है जो थोड़ी सी गॉसिप छाप रही है। तुम बस इस बात का बतंगड़ बना रहे हो। पर ये सब झूठ है। गैबी गम्स जो चाहे वो छापती है, उसे किसी के भी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। उसने लिखा है फ्लटरशाई की पूंछ नकली है और पिंकी पाय एक आउट ऑफ कंट्रोल पार्टी एनिमल है। क्या? ये सच है? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो, इसमें लिखा है कि केक्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हो रहे हैं? देखो मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। गैबी गम्स क्लाउड्सडेल तक भी पहुंच गई। रेनबो डैश, स्पीड डीमन या फिर एक सुपर सॉफ्टी। मैं जितनी कॉपीज जमा कर सकती थी की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सब जगह हंसी उड़ाई जा रही है। देखा रारिटी, इस सो कॉल्ड गॉसिप से सभी को काफी चोट पहुंच रही है। सच में तुम पोनीज में बिल्कुल भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो क्या हुआ अगर वो एनी स्टोरीज में थोड़ा सा मसाला ऐड करती है? शायद ये सही है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। The drama queen diaries, उसने मेरी पूरी डायरी छाप दी। गैबी का मेरी प्राइवेट डायरी तक कैसे पहुंच सकती है? हमें इसे हमेशा हमेशा के लिए रोकना होगा। स्वीटी बेल न्यूज़पेपर स्टाफ में है, शायद उसे पता हो गैबी गम्स कौन है। मेरी बहन गैबी गम्स जैसी बुरी पोनी के साथ काम कभी नहीं करेगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो ट्वाइलाइट? पता है वो तो सबसे अच्छी, सबसे प्यारी।
इक्वेस्ट्रिया की सबसे बुरी पोनी है। मेरी अपनी बहन मेरी प्राइवेट डायरी कैसे चुरा सकती है? मेरी बहन कैसे हो सकती है? गैबी गम्स। क्या तुम ही गैबी गम्स हो? तुम जानती हो? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा धोखा इन पेजेस पर साफ दिखाई दे रहा है। और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरी प्यारी डायरी को चुराया और इसे सारी दुनिया को पढ़ने के लिए छाप दिया। गॉसिप से लोगों को चोट पहुंच सकती है। ये मेरी प्राइवेसी में एक दखल है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी सैडल बैग के साथ कर रही थी। तुम्हें वो पसंद नहीं आया था, है ना? जरूरी बात ये है कि तुम ये समझो कि कैसे तुम्हारा कॉलम उन पोनीज के दिल को चोट पहुंचाता है। मैं समझती हूँ और हम सबको बुरा भी लग रहा है, पर हमें बस हमारे क्यूटी मार्क्स चाहिए थे। तुम्हें लगता है ऐसी बेकार बातें लिखकर और हर पोनी के दिल को चोट पहुंचाना तुम्हारी किस्मत में लिखा है? अगर तुम इस तरह से कहो तो। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। पर हम जो गॉसिप छाप रहे हैं उससे सबके दिल को चोट पहुंच रही है। दिल को चोट? मुझे दिल के चोट की परवाह नहीं। गैबी गम्स ही मेरी रोजी रोटी है और तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। माफी चाहते हैं डायमंड टियारा, पर हम फैसला कर चुके हैं। तुम हमें गॉसिपिंग जारी रखने के लिए नहीं कह सकती। जब तुम ये देखोगी शायद तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। मैंने फेदरवेट को सब कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए कहा था और उसने ठीक वैसे ही किया। मुझे दे दो। सॉरी गर्ल्स, ये द फोक फ्री प्रेस की प्रॉपर्टी है और अगर गैबी गम्स वाकई रिटायर होना चाहती हैं, तो उस खाली कॉलम्स को जरूर भरना होगा ना? हाँ, अब जाओ और मेरे लिए गैबी गम्स लेकर आओ। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे गर्ल। शायद रेनबो डैश के पास हमारे लिए कोई स्टोरी हो, उसके पास हमेशा स्टोरीज होती हैं। रेनबो डैश, हे रेनबो डैश। वेल, ये तो मशहूर गैबी गम्स हैं। तुम्हें भी पता चल गया? तुम मजाक कर रही हो, हर एक पोनी को पता है कि तुम तीनों ही हो। अब तो हमें तुम्हारे ऊपर कॉलम लिखने का मौका शायद ही मिले। हाय एंजल, पटेशाय घर पर है? को लगा था तुम वापस आने की कोशिश कर सकती हो, इसीलिए उसने ये फोर्स फील्ड बनाया है। ओह कम ऑन एप्पलजैक, तुम हमसे नाराज हो क्या? हाँ। तुम हमसे बात भी नहीं करोगी? नहीं। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, इस तरह तुमने मुझे और अपनी बहन को नीचा दिखाया है। इस वक्त हम तुम सबसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, इसलिए अपना गॉसिप कॉलम और अपने शर्मनाक फोटोग्राफ्स उठाओ और चली जाओ यहाँ से। दोस्तों को खो दिया और हमें हमारे क्यूटी मार्क्स भी नहीं मिले। आज का दिन सबसे बुरा था। ओ अच्छा, कल तक इंतजार करो, हमारे सबसे शर्मनाक मोमेंट्स कल तक छपी जाएंगे और सारी पोनीज हम पर हंसेंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानती, पर जब तक हम कुछ सोच नहीं लेते हम क्लब हाउस से नहीं जाएंगे। बहुत हो गया, गैबी गम्स का वक्त निकल चुका है। उसकी जगह ये छापो, मुझे ये पेपर पोनीविल के हर कोने में चाहिए। यस मैम। प्रेस को रोको। हमने तो छापा ही नहीं है। हमारे पास एक गैबी गम्स वाला कॉलम है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड ठीक है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो। अच्छे डायमंड टियारा, तुमने अपनी शानदार सूझबूझ के दम पर एक और क्राइसिस होने से बचा लिया। पोनीविल के लिए एक ओपन लेटर गैबी गम्स की तरफ से, ये क्या है?
वो अब मुझसे नहीं बच सकती। मैं वो तस्वीरें कल ही छाप दूंगी। उन्होंने गलत पोनी से पंगा लिया है। पोनीवल के वासियों, कुछ दिनों से आप लोग नई कहानी और मसालेदार खबरों के लिए ये कॉलम पढ़ रहे हैं, पर आज का कॉलम मेरा आखिरी है। आप सबका दिल दुखाने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। देखिए, हम दरअसल तीन पोनीज हैं, स्वीटी बेल, एप्पल ब्लूम और स्कूटलू। जैसे जैसे हमारा कॉलम मशहूर होता गया, हम खुशी में बहती गईं। हम जानती थी कि हम जो कर रही हैं वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, पर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब पोनीज हमारी लिखी खबरें पढ़ती थी। आज के बाद हम वादा करती हैं कि हम हर पोनी की प्राइवेसी की इज्जत करेंगे और हम किसी भी तरह की बेतुकी गॉसिप में हिस्सा नहीं लेंगी। हम बस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पोनीविल। साइनिंग ऑफ आखिरी बार के लिए, XOXO गैबी गम्स। वेल स्टाफ, शायद मैंने एक फर्स्ट टाइम एडिटर को कुछ ज्यादा ही अधिकार दे दिए। मैं माफी चाहती हूँ डायमंड टियारा, पर मुझे तुम्हें इस पद से हटाना होगा। अब मैं पेश करती हूँ द फॉल फ्री प्रेस का नया एडिटर। आपका नया एडिटर इन चीफ है फेदरवेट। पर मेरा क्या? ये लो, मुझे स्टाफ फोटोग्राफर का प्रमोशन मिल गया है। Oh,